हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त जेके, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो इसमें आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिल गया है, मतलब कि आप जितने भी डिवाइसेस चाहते हैं उतने डिवाइसेस को अपने एक डिवाइस के साथ, मेन हेड डिवाइस के साथ लिंक कर सकते हैं और उन सभी डिवाइसेस पर आप व्हाट्सएप इजिली यूज कर सकते हैं। जो भी मैसेज आपके मेन डिवाइस पर आएगा वो सारे ही उस पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वहां से भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपने मेन डिवाइस से भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फीचर बहुत जरूरी था और फाइनली व्हाट्सएप पर मिल चुका है। तो सेकेंडली, यहाँ पर आप जो वॉइस नोट्स भेजते थे, मतलब कि जो रिकॉर्ड करके आप अपना वॉइस क्लिप भेजते थे, उसमें भी व्यू वंस का ऑप्शन आ गया, मतलब कि वो सिर्फ अभी एक बार ही सुन सकते हैं, ऐसा भी आप ऑप्शन यूज अंदर से कर सकते हैं। तो ये भी एक प्राइवेसी के लिए कि कोई भी अगर आपका फोन हाथ में लेता है तो आपकी वॉइस नोट्स ना सुन सके, सिर्फ एक ही बार आप ही सुन सकते हैं। इस तरीके से व्हाट्सएप ने नया ऑप्शन ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर आपने अपना खुद का नंबर सेव किया हुआ है तो आप खुद के नंबर के अंदर भी व्हाट्सएप में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको एक तरीके से अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं कि कौन कौन, मतलब कि आप कोई भी समरी बनानी है या फिर शॉपिंग लिस्ट बनानी है तो अपने खुद के फोन के अंदर अपने आप को ही व्हाट्सएप में वो चीजें सेंड कर सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। तो किसी ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप अपने आप को खुद ही अनब्लॉक कर सकते हैं उनके डिवाइस से, वो भी अपने ही डिवाइस से। तो ये एक ऐसी ट्रिक है कि सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर अकाउंट सेक्शन में जाके अपने व्हाट्सएप के नंबर को, मतलब कि जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उसको डिलीट करना है और वापस से उसी सेम नंबर पर से आपको अपना व्हाट्सएप लॉगिन करना है। तो वो पुराना अकाउंट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और जो नया अकाउंट बनेगा उसमें आपको अपने ग्रुप्स एंड चैट्स वो सब कुछ चीजें रिमूव हो जाएगी। जिसने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है उससे आप अपने आप ही अनब्लॉक हो जाओगे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है, वापस आएगा, मैसेज करोगे, वो वापस से आपको ब्लॉक कर देगा। तो स्क्रीन शेयरिंग का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल चुका है, मतलब कि वीडियो कॉल के ड्यूरिंग आप स्क्रीन शेयर का आपको डायरेक्ट से ऑप्शन मिलता है और वहां से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है कि दूसरे फोन से वीडियो कॉल करके एक फोन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर किसी भी और चीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट्सएप ने अंदर से स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि सिंपली एक फोन पर जहां पर भी किसी भी चीज में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसी बात है जिसको आपको देख के ही कंपलसरी सॉल्व करना पड़ सकता है तो उस चीज में आप स्क्रीन शेयरिंग का यूज कर सकते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग इसका कंप्लीटली परफेक्ट वर्क करता है, मतलब बिल्कुल भी लैग या फिर ऐसा कुछ फील नहीं होता, परफेक्टली ऑन टाइम सारी चीजें कंप्लीट चलती है। सो नेक्स्ट चीज है मेटा है। तो ये भी ऑप्शन अब भी आपको मिल चुका है कि आप स्टेटस के अंदर जाके सर्च करते हैं तो वहां पर आपको मेटा AI का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि AI आपके व्हाट्सएप के अंदर भी अभी आ चुका है तो वहां पर भी आप कुछ भी चीजें या फिर कुछ भी आंसर्स लेने हैं तो वहां से आप यूज कर सकते हैं। तो जो चीजें हम व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट सेंड करते थे उससे अच्छा है कि अभी व्हाट्सएप के अंदर ही सीधा आपको HD का ऑप्शन मिल चुका है, मतलब कि आप जब फोटो सेंड कर रहे हैं तब ऊपर से आपको डायरेक्ट HD का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चीज भी काफी यूजफुल है कि HD का डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको फोटोज डॉक्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जितनी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती फिर भी अगर आप HD पे भी सिलेक्ट कर लो, लेकिन हाँ HD का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि नॉर्मल फोटोज से क्वालिटी बेटर होगी। तो अगर आप आईफोन यूजर हो तो ये टिप स्पेशली आपके लिए है, मतलब कि अगर व्हाट्सएप में आपको कोई डेट या फिर कोई चीज ऐसी सेंड करता है जहां पर डेट या फिर टाइम नोटेड है तो वो चीज आप अपने इवेंट के अंदर डायरेक्टली एड कर सकते हैं, मतलब सिंपली उस डेट पर क्लिक करके रखना है और डायरेक्टली आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा और वहां पर आप इवेंट टाइप करके सीधा रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाट्सएप के बारे में। ज्यादा डिटेल में अगर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बस यही था आज के वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।